बुज़ुर्गाने दीन ने इस आयत करीमा पर तफसीर फरमाई है कि अल्लाह सुभान व तआला ने इस आयत करीमा में बहुत बड़ा एहसान किया है इंसानों पर। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने क़ुर्ब का, करीब होने का ज़रिया बयान फरमा दिया, वसीला बयान फरमा दिया। क्यों, ये छोटी चीज़ तो नहीं है कि बंदे को रास्ता मिल जाए कोई ऐसा जिससे इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और ख़ास तौर पर जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुतलाशी हैं कि अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हूँ मैं। तो अल्लाह का ज़िक्र जो है ये अल्लाह का क़ुर्ब पैदा करता है। अल्लाह का ज़िक्र जो है अल्लाह का क़ुर्ब पैदा करता है, और जैसे जैसे ज़िक्र में इजाफा होता चला जाता है अल्लाह के क़ुर्ब में भी इजाफा होता चला जाता है। और अगर ज़िक्र बढ़ता 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 जब बंदा फनाफिर ज़िक्र हो जाता है तभी वो फनाफिर अल्लाह हो जाता है। सारे जितने मकामात इंसान तय करता है अल्लाह के क़ुर्ब के, अल्लाह की मार्फत के, अल्लाह की मोहब्बत के, वो अल्लाह के ज़िक्र से करता है। जितने भी अल्लाह वाले बने या अल्लाह तक पहुँचे, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया, तो ये सब पक्का कर लो दोस्तों। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक ये तस्किए की मजलिस है, आप हज़रात इसी सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं, तो बुज़ुर्गों को दिया हुआ सबक आपको याद करा रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ है इसको पक्का कर लो, जम जाए इस पर अल्लाह के ज़िक्र। वाहिद और वाहिद अल्लाह ने इनायत कर दी किसी को अगर ज़िक्र की, बस समझ जाओ कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का दरवाज़ा खोल दिया। पक्का यकीन कर लो, फर्स्ट कुरनियस को खुद अल्लाह ने कहा है। जितना गरीब होना चाहे बंदा, अल्लाह ने खुला रास्ता कर दिया, खुद बंदे पर है। जिस कदर ज़िक्र करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस कदर ज़िक्र के अंदर बढ़ता चला जाएगा अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा, इजाफा होता चला जाएगा, करीब होता चला जाएगा।
और ऐसे करीब नहीं करता अल्लाह का जिक्र बंदे को, क्योंकि अल्लाह के कुर्ब के लिए जहर इंसान पाक साफ तो होने पड़ता है ना, उसके बगैर तो करीब नहीं हो सकता। तो अल्लाह के जिक्र की सिफत ये है कि जैसे बंदा जिक्र करता है उसके गुनाह भी साफ करता रहता है। जी जरूर ये याद रखें। बाद लोग कहते हैं भाई जिक्र का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, याद रखें कुरान के हुक्म, कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बंदा जिक्र करे और उसको जिक्र का फायदा ना हो। कभी भी जिक्र जो है भी फायदा नहीं है। कैसे? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि देखें जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है और उस जिक्र की बरकत से अगर एक गुनाह भी छूट गया उसका, एक गुनाह भी उसका कम हो गया, तो या इतना भी ख्याल आ गया कि या ये बुरी चीज़ है, तो समझ जाओ कि अल्लाह का जिक्र फायदा दे रहा है उसको। ये कम फायदा है कि एक बुराई का ख्याल दिल में इंसान के आ जाए कि ये चीज़ बुरी है, आप सोचें जरा कितना बड़ा फायदा दिया है। और फिर उस पर यह है इंसान फिर जिक्र करता रहेगा तो अगर ये भी ख्याल आ गया बुरी है तो फिर उसको बुरा समझने भी लगता है, जब बुरा समझने लगता है तो उसको फिर छोड़ने के दिल करने लगता है उसका, जब छोड़ने लगता है तो गुनाह छूट भी जाता है। तो गुनाह अल्लाह के जिक्र में ये अल्लाह ने खासियत ऐसी रखी है, इस न इस तरह कुरु नहीं देता बल्कि बंदे को साथ साथ पाक साफ करता रहता है। उसको पता है गुनाह जड़ते रहते हैं जड़ते रहते हैं, और जिस तरह जिक्र करता रहता है जिक्र में इजाफा होता रहता है बंदा अल्लाह के करीब होता चला जाता है होता चला जाता है। यहाँ एक चीज़ बहुत ही जहन बिठा लें आप कि इस रास्ते के अंदर जैसे आप सफ़र कर रहे हैं, कोई जैसे पुराने ज़माने सफ़र करते थे तो सब कहते थे भाई अपने पैसों की हिफाजत करना, यहाँ पुराने ज़माने में जाते थे लोग उनके यहाँ सी देते थे पैसे, मतलब जो बास्केट सी होती ना उसमें पैसे किसी चोर को पता ना चले, रास्ते में चोर भी आते थे डाकू भी आ जाते हैं कोई और आ जाए जानवर आ जाए, उस सब की हिफाजत के साथ हिफाजत से जाना देखभाल से जाना ताकि तुम मंजिल तक पहुंच जाओ। तो ये फरमाते हैं अल्लाह वाले भी कि देखें जब ये जिक्र की तरफ चलने लगें तो पहली चीज़ तो समझ लेंगे बिल्कुल सही रास्ते पर इंसान अल्लाह के पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको वजह गाड़ी मिल गई अल्लाह के फजल से। अब दूसरी चीज़ जिसका एहतियात ये करनी आ रही है कि इस रास्ते के अंदर कोई लूट ना ले, डाकू भी आएंगे चोर भी आएंगे, याद रखें कौन से डाकू हैं, वसवसे आते हैं ख्यालात आते हैं उल्टी सीधी बातें आएंगी जिक्र के मामले में कमज़ोर कराएगा, ये सब रास्ते के डाकू हैं। और कुछ बेचारे जो नादान होते हैं जिसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो ये बड़ा लंबा मज़मून है लेकिन बड़ा मुख्तसर आपके सामने पेश करूँ, इनके बाकायदा टर्म्स हैं तसव्वुफ़ में। एक जो चलता रहे उसको क्या जा कहा जाता है, एक जो चलते चलते रुक जाए तो उसको क्या कहा जाता है, और एक जो चलते चलते वापस मुड़ जाए उसको राजिया कहते हैं, मुड़ गया वो तो वो ये सबसे खतरनाक बदनसीब इंसान होता है। तो कभी ये कैफियत आने ना दें, अगर जितनी वसूल फौरन कहें जी अल्लाह ने जब कहा इसका फायदा हो रहा है हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हो ही नहीं सकता फायदा ना, मैं क्यों छोड़ दूँ इस रास्ते को। तो बढ़ना चाहिए इसमें, कम नहीं होना चाहिए, कई हज़ारों वसवसे आ जाएं कोई फ़ायदा नहीं है तो है ही नहीं, तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है ये कर रहा है ये हो रहा है फलां हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वसवसे में ये होता है कि जो आपका फैज़ का मंबा है आपका शेर उसके खिलाफ ख्यालात पैदा करना, शैतान के ये भड़काना ये चीज़ करना, किसी मामलात में भी आप देख रहे हैं बहुत से मामलात हो सकते हैं, तो कभी उसको एक्सेप्ट ना करें। ये बुज़ुर्गान दीन ने बताया उस रास्ते को मजबूती से पकड़ने, वसवसों का ख्याल ही ना करें, अपने काम से लगे रहें, चटकते रहें चीज़ों को, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसे आएगा कि वही चीज़ें जो आपके दिल में वसवसे डाल पैदा कर रही थी वही चीज़ें आपको मरहूब अच्छी लगने शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये एक दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आदमी को ज़रा तहम्मुल होना चाहिए इस रास्ते में, तहम्मुल समझते हैं पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए, जल्दी नहीं है इसमें, जल्दी नहीं है कि बस जल्दी जल्दी हो, नहीं जल्दी नहीं है, बड़े आराम से इसमें सफ़र को तय करते चले अल्हम्दुलिल्लाह लगे रहे। इसी रास्ते में अगर मौत आ गई तो इंसान कामयाब जाता है, कामयाब है अल्लाह का वादा है, बस आस्ता आस्ता जैसे भी इंसान हालात इंसान का आस्ता आस्ता अपने सफ़र को जारी रखें, सफ़र को ना रोकने दें।
तो ये मुझान दीन जो है ये ऐसी नसीहतें फरमाते हैं अपने तालिब इल्मों को ताकि बेचारे नाकाम ना हो जाए। नंबर एक कि अल्लाह का कुर्ब जो हमारी मंजिल है उसके लिए अल्लाह ने खुद कह दिया कि बहुत आसान तरीका मैंने दे दिया, बस तू जिक्र करेगा तो मेरा कुर्ब पैदा होना शुरू हो जाएगा और कुर्ब में इजाफा करेगा उतने ही तू मेरे करीब होता चला जाएगा, जितना इजाफा करेगा उतनी इजाफा तेरे मेरे कुर्ब में होता चला जाएगा। और दूसरी तरफ सुन लें कि जितना आदमी जिक्र में गफलत करता है, यह हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि जितना आदमी जिक्र में गफलत करता है उतना ही अल्लाह से दूर हो जाता है। ये देख लें, अब सोच लें जितनी गफलत करेंगे उतनी दूर हो जाएंगे और जितनी गफलत बढ़ती चली जाएगी दूरी बढ़ती चली जाएगी और दूरी बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि ये गफलत जो है इतनी ख़तरनाक चीज़ बन जाती है कि फिर वो इंसान जो है गाफिल हो जाता है। रसूल साहब क्या कहते हैं गाफिल, दूर होते होते क्या हो गया गाफिल, यानी गाफिल क्या है हदीस में इसको कहा जाता है मुर्दा, मर गया। हदीस है ना, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा हैं और जो जिक्र नहीं करते वो क्या है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अल्फाज में बारिक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो क्या हो गया मुर्दा हो गया। मुर्दा इस एतबार से नहीं कि खाना पीना छूट गया या काम छूट गया या बी बच्चे छूट गए, नहीं, मुर्दा इस हिसाब से हो गया कि उसमें अब बिल्कुल ये हस है ही नहीं कि अल्लाह के दीन को समझ सके, हराम हलाल को समझ सके या किसी और ऐसी चीज़ों को नूरानी को समझ सके, अल्लाह के कुर कुछ उसके एहसास उसका मिट जाता है, एहसास मिट जाता है बिल्कुल, उसको कहा था मुर्दा हो गया आदमी। या हदीस क्या रही है कि वो आदमी क्या हो गया मुर्दा, मर गया सारा दिन तो मुर्दा है, मुर्दा ही मर गया। और ये इससे बड़ी खतरनाक इंसान की क्या हालत हुई, क्यों हुआ मुर्दा, कि उसने जिक्र से गफलत अख्तियार की, गफलत करता रहा वो बढ़ता रहा गफलत की तरफ और आखिर काफिल हो गया और मुर्दा। इस पर बुजुर्गान दीन ने काफ़ी वाक़ात हैं, शायद एक आध वाक्य पहले मैंने आपको सुनाया भी हो, तो एक वाक़ और मेरे जहन में आता है। एक मुरीद थे तो अपने हजरत अपने शेख की ज्यारत का उन्होंने सफ़र अख्तियार किया जैसे करते हैं लोग, और सफ़र क्योंकि शेख के ज्यारत का सफ़र था तो ये मार्फत के ज़माने से बात कर रहा हूँ, आप अहले दिल लोग हैं, ये ऐसे जिक्र होता है कि जैसे आदमी हज पे जाने की तैयारियाँ करता है, खाना काबे की ज्यारत करता है, फैसले होते हैं अल्लाह ताला के। तो इसी तरह जो एक सालिक होता है जो वो इसी तरीके से इसी एहतमाम के साथ अपने शेख की मुलाकात का सफ़र करता है। जैसे कल मैंने आपको एक छोटी बात भी बताई थी, तो वो बड़े एहतमाम के साथ उन्होंने सफ़र शुरू किया, पुराना ज़माना था, खाना उन्होंने लिया, हर थोड़े से कदम के बाद वजू करते और सजदा करते और नफिल पढ़ते और दुआ करते अल्लाह ताला मुझे शेख से ज़ियारत कर। जितना भी एहतमाम इंसान लेकर जाता है ऐसी जगहों पर, जितनी दिल के अंदर प्यास लेके जाता है, जितनी मोहब्बत लेके जाता है अल्लाह की किसी बंदे से मिलने के लिए, उसी कदर वो फैजयाब होता है बंदा। खुद बंदे पर रखी है अल्लाह ताला सारी चीज़ें, क्या ये तसव्वुफ ऐसी चीज़ है कि खुद बंदे पे है। मिसाल देते हैं बुजुर्गान दीन की, जैसे एक कुआं है और कुएं से आपने पानी लेना है, आप जाके कुएं के पास खड़े हो गए, पानी किस में लेंगे, आपका डोली नहीं है, बर्तन नहीं है, तो पानी कहाँ से निकालेंगे, तो कुआं कहेगा मैं तो पानी कैसे दे दूँ, मैं तो कुआं हूँ, मैं तो पानी पिलाता हूँ लोगों को, अब तू मेरे पास आ गया मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊँ, कोई बर्तन तो लाता, कोई चीज़ तो लेके आता ताकि तुम उससे प्यास बुझाता। ऐसी ये सालिक जब जाता है अपने शेख के पास, अगर वो अदब का बर्तन ही लेके गया, ख्वाहिश और तलब का बर्तन ही उसके पास नहीं है, तो शेख क्या उसमें डालेगा, हजार जाके बैठ रहे हैं आप उसके पास, दुआएं कराते रहे कुछ फर्क नहीं होगा, शेख का कमाल नहीं होता इसमें, कमाल खुद मुरीद का है, याद रखें कमाल आशिक का नहीं होता, कमाल किसका है माशूक का है, तो अपना हुस्न से उसको खींच लेता है, आशिक बना देता है। तो ये तो कमाल का खुद मुरीद का है कि कितना बड़ा बर्तन लेके गया अपने तलब का, अपनी मोहब्बत का, अल्लाह की मार्फत का, कितना शौक है उसको, जितना बड़ा बर्तन शौक का लेके जाएगा कुएं के पास जाएगा, कुआं इसी तरह उसके पानी को भर देगा। तो
तो इस तरह जितनी तलब लेके इंसान जाता है अपने शेख के पास, मोहब्बत के साथ जाता है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये सूरत हम बाकायदा सदक़ा दे के जाते थे, अपने हज़रत के नाम पर सदक़ा निकाल के फिर जाके ज़ियारत करते थे, अल्लाह का शुक्र करते थे, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की ज़ियारत करवा दी हमें, तो वहाँ से भी खाली नहीं आता बाद में, क्योंकि दिल का जो बढ़ता है ना आपका अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता अल्लाह ही है, ये सब कुछ आप किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह की मार्फत के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा है कि ये बंदा इसके पास जा तुझे मेरी मार्फत मिलेगी, ऐसे ही होता ना, ये आज की थोड़ी बात है, तो कुरान बता रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जा इस बंदे के पास जा तुझे मेरी मार्फत मिलेगी, वो तो नबी थे और खिज़र अलैहिस्सलाम तो नबी तो नहीं थे, अल्लाह ने कहा जा वहाँ से मार्फत मिलेगी, तो चले गए, भाई क्यों आए तुम्हारे पास, कितनी मत से अल्लाह की मार्फत इलम सीखना, मुझे मार्फत बता, कितनी बड़ी बड़ी मिसालें अल्लाह पाक ने दी, तो जाता तो बंदा किसी अपने शेख के पास जाता है, वो तो कुछ नहीं देता, देता कौन है, अल्लाह देता है, लेकिन मुंबई है उसके पास जाना, इतनी मोहब्बत होगी, जितना आपका सिद्क होगा, जितना आपका बड़ा बर्तन होगा अदब का, अगर हम पास जाएंगे उसकी महफिल में बैठेंगे उसके जिक्र में जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं, तो आदमी खाली है, अल्लाह ताला उसको खाली कर दे तो सब्र ही नहीं हो सकता, तो इसी ज़ौक और तमाम के साथ वो अपने शेख से मिलने जा रहे थे, साहिब कश्फ थे और बुजुर्ग भी बहुत साहिब कश्फ थे उनके, तो चलते चलते एक दरख्त आया, उनके चलो दरख्त के नीचे थोड़ा सस्ता लेते हैं, लेट जाते हैं थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो दरख्त के नीचे लेटे उन्होंने हाथ ऐसे रखा सोने की कोशिश की, तो दरख्त के ऊपर चिड़ियाँ बैठी थी दो तीन, तो वो शायब कश थे, वो तो जबान समझते थे चिड़ियों की, अल्लाह ताला ने उनको इस्तेदाद दी थी, तो आधे सो रहे थे आधे जाग रहे थे, तो चिड़ियों ने गुफ्तगू शुरू की, कहते कि ये कोई मुसाफिर मालूम होता है चिड़िया के लिए दूसरी चिड़िया से, तो चिड़िया कहती है हाँ है तो मुसाफिर ही, कि कहाँ जा रहा है ये, कहते मेरा ख्याल अपने शेख से मिलने जा रहा है, कि बड़ा एहतमाम के साथ जा रहा है शख्स, दूसरी कहते हैं हाँ मुझे भी लगा कि उसका सारा वजूद अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ये चिड़ियाँ बातें कर रही हैं, वो सब सुन रहे हैं, दूसरी चिड़िया क्या कि हाय हाय कितना अफसोस हो रहा है मुझे आदमी पे, कितनी दूर से बेचारा आया है, कितना लंबा सफ़र किया है, और आशिक है तो अपने शेख का, मुझे समझ नहीं आता कि इसको कितना अफसोस होगा, कितना गम होगा इसको, इस बेचारे को ये पता ही नहीं इसका शेख तो इंतकाल कर गया कल रात, वो तो इंतकाल कर चुका है, उसने जो ये बात सुनी तो उसकी तो बेचारे मरीज जो था, जहर एक सच्चे आशिक मरीद के लिए तो शेख का इंतकाल एक क़यामत की खबर है, वो तो बेताशा उसको तो बुरा हाल हो गया, वो तो एकदम उठा रखा आके मली और सोच गया कब क्या करूँ, उसने मैं वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि बात भी आशिक था, उसने कहा हज़रत अगर इंतकाल गए कोई बात नहीं, हज़रत का मुसल्ला तो होगा उसकी तो ज़ियारत कर लूँगा खान का, तो ये बड़ी बात है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अहले दिल आदमी तो उसको जान सकता है कि वाकई ऐसे होता है, वो चल पड़ा सफ़र में, रोता हुआ बेचारा अल्लाह से दुआ करता है चलो हज़रत मुसल्ले वो खान का में पहुँच जाता है, रौनक खान का वसीत नहीं क्या बात, हज़रत तो है नहीं, रौनक तो काफ़ी नज़र आ रही है, वज़ू वज़ू किया उसने बाहर नमाज पढ़ी, अंदर जो गया तो हज़रत तो मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, मुसल्ले बैठे थे, और बड़ा हैरान हुआ, मुसाफा किया तो वो भी साहिब कश्त अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने देखा उसको तो कहा हज़रत मैं तो सफ़र में आ रहा था, तो मुझे ये बात का अजीब सा लगता है कि आज ज़माना इतना ख़राब हो गया कि परिंदे भी झूठ बोलने लगे, उसने अपने हज़रत से कहा, तो हज़रत मुस्कुराए सब समझ गए थे, उन्होंने परिंदों ने चिड़ियों ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच कहा था, कहते हज़रत कैसे सच कहा था, कहते नहीं सच कह रही थी चिड़िया, तेरे शेख का इंतकाल हो गया था, क्योंकि कल रात तेरा शेख इतना बदकिस्मत था कि कल रात जिक्र से गाफिल हो गया था, तो मौत ही नहीं थी बल्कि मौत से भी बदतर मौत मुझे नसीब हुई थी, कल मेरा नाम मुर्दों में लिख दिया था अल्लाह पाक, तो भाई अब देखें क्या ज़िंदगी इंसान की, हदीस बता रही है, कुरान बताती है, अल्लाह वालों को ज़िंदगी बताती है, फिर भी हम जिक्र से गाफिल हैं, सोचें कोई अहमियत नहीं हम अल्लाह का जिक्र करें, तो जैसे जैसे इंसान अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह के गरीब होता चला जाता है मेरे भाई, अल्लाह का जिक्र करें और बहुत शौक शौक से करें, हो एक ही मंजिल के अल्लाह ताला में मिल जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए, अल्लाह ताला खुद नसीब हो जाए, अब अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दे दिया है, रास्ता बता दिया है, अब हमने हिम्मत करनी है सिर्फ, उस पर चलते रहें हिम्मत के साथ, चलते रहें इस्तकामत के साथ, उस पर गाड़ी को चलाएं इंशाल्लाह, इस पर चलने वाला मुसाफिर जो होता है कभी खाली नहीं होता, इंशाल्लाह कामयाब हो जाता है।